दोस्तों, आज मैं फिर से दुखी हूँ। आज सुबह उन चारों लोगों को फांसी होनी थी। लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जितने भी तीन कोर्टों में कहा गया कि फांसी होगी, आज सुबह फांसी होनी थी, फिर से रुक गई। हिंदुस्तान की बेटियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए सबसे बैड न्यूज़ है, काली रात है, ब्लैक डे है। अगर ऐसे मुजरिम छूटते गए तो हिंदुस्तान की बेटी को कभी न्याय नहीं मिलेगा। क्या हमारा कानून सो रहा है? फांसी तीन बार, दो बार देने के बाद क्यों रोक दी गई? 7 साल से एक माँ वेट कर रही है, 7 साल से एक देश की हर वो बेटी जो पीड़ित है वो भी न्याय मांग रही है, उनके भी केसेस पेंडिंग है कोर्ट में। अगर कोर्ट में ऐसे आरोपियों को छोड़ दिया जाएगा तो देश की बेटी को कभी न्याय नहीं मिलेगा। मोदी जी, राष्ट्रपति जी, आप लोगों के हाथ में हैं। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बेटी बचेगी? मोदी जी, आरोपी ऐसे जो क्रिमिनल्स है, जो आरोपी, जो अक्यूज्ड है, अगर वो ऐसे बचते रहेंगे फांसी से, सजा से, तो कैसे देश की बेटी को न्याय मिलेगा? राष्ट्रपति जी, आप बड़ी कुर्सी पर बैठकर फांसी रोक दी आपने, क्यों? सारे सबूत आपके पास है, क्यों क्यों रोकी? निर्भया की माँ को मैं सैल्यूट करती हूँ। एक माँ 7 साल से अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही है, और ये जो हमारे कुछ वकील है जो आरोपी के, वो कुछ न कुछ पेपर दे दे के उनकी फांसी रोक रहे हैं। अरे भाई साहब, आपके घर में बेटी नहीं है, दूसरों की बेटियाँ बेटियाँ हैं, हमारी बेटियाँ क्या है? क्या आप देख नहीं रहे सारे जितने भी गुनाह है उन चारों के, उस दुनिया के सामने है, कानून के सामने, कोर्ट के सामने है, तो उनको फांसी क्यों नहीं दी जाती है? मैं सल्यूट करती हूँ ऐसी माँ को जो अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। हम दुनिया वाले फिर से प्रे करें कि इन चारों को फांसी हो और निर्भया को न्याय मिले, इस देश की बेटी को न्याय मिले, इस देश की नारी को न्याय मिले। उस दिन नारी डे होगा, जिस दिन इनको फांसी होगी उसी दिन नारी डे हो। 7 साल से एक माँ वेट कर रही है। निर्भया केस को सब लोग जानते हैं, निर्भया केस को आज भी हम चैन से सो नहीं पाते हैं। 7 साल से वो केस हमें याद है। रोज रोज बच्चियों का, महिलाओं का रेप होता है हिंदुस्तान में। ये वकील लोग जो है, दोषियों के वकील है, वो लड़ रहे हैं। हमें लगता है क्या उनके घरों में बेटियां नहीं हैं? क्या एक माँ झूठा केस लड़ रही है? आप बताएं दोस्तों, क्यों फांसी क्यों टाली गई? जब दोषियों ने, दोषियों का दोष साबित हुआ है कोर्ट में, तो मर्सी किस चीज की? उनको तब दया नहीं आई जब उन्होंने निर्भय के साथ ऐसा कांड किया था, घिनौना काम किया था, तब उन्होंने मर्सी क्यों नहीं करी? हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरे पास आज एक आइडिया है और देश के लिए इलाज भी है। जो लोग भी एनआरसी सीए से डरते हैं, उनको लगता है कि हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए सर्टिफिकेट नहीं रखा है, उन्हें डर लगता है, तो आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। हाँ, अगर आप इस देश से नहीं जाना चाहते हो या आपके पास कोई पुराने कागजात नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग रहो हिंदुस्तान में, एक लंबा सा बैंक का लोन ले लो, बस बैंक पूरा साबित कर देगी कि आप हिंदुस्तानी हो। चिंता की कोई बात ही नहीं है दोस्तों। सो इजी, चलो फटाफट जाओ लोन ले लो। अरे लोन बैंक से ले लो, ओके? और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारी एक्ट्रेस, जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी है, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूं, दीपिका को,
इस देश ने उसे प्यार दिया, शोहरत दी, भारत ने क्या क्या नहीं दिया फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने उन लोगों को सपोर्ट किया जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जेएनयू के लोगों को, छात्रों को। क्यों आप लोग भारत के टुकड़े क्यों करना चाहते हो? भारत आपकी माता है, कोई अपनी मां के टुकड़े करता है क्या? कोई हमारी मां के टुकड़े करता है क्या? और आप भारत के टुकड़े क्यों करना चाहते हो? क्या कोई मिठाई का टुकड़ा है जो आप टुकड़े करना चाहते हो? और वो लोग, दीपिका एक बहुत सुलझी हुई अभिनेत्री है, वो अपनी फिल्म के लिए, फिल्म के प्रमोशन के लिए वहां गई थी। दोस्तों आज मैं बहुत दुखी और सैड हूं, बहुत ज्यादा। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चंद देश के विरोधी लोग हमारे देश को बांटना चाहते हैं। क्या वो कामयाब होंगे? क्या वो हमारे देश को तोड़ पाएंगे? आज मोदी जी ने नागरिकता कानून को लाके देश का सर ऊंचा किया है। मोदी जी देश के लिए कितना काम कर रहे हैं, मुझे गर्व है हमारे मोदी जी पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर पर, कि बहुत अच्छा कानून ला रहे हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि कुछ गैर कानूनी तरीके से कुछ लोग अगर दूसरे देशों में घुस जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होती है, लेकिन ऐसे ही गैर कानूनी लोग हमारे देश में घुस के बैठे हुए हैं, अगर उनके लिए कोई कानून निकाला जा रहा है या गैर कानूनी लोगों को निकाला जा रहा है, तो इसमें मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं? आप बताइए, अगर हम घर में रहते हैं, अगर हमारे घर में कोई घुस जाए तो क्या हम उनको हमारे घर में रहने देंगे? उनको ये कहेंगे कि भाई हम आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, और आप हमारे घर में रहो? हमारे मोदी जी सही काम कर रहे हैं कानून लाकर। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारी एक्ट्रेस, जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी है, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूं, दीपिका को, इस देश ने उसे प्यार दिया, शोहरत दी, भारत ने क्या क्या नहीं दिया फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने उन लोगों को सपोर्ट किया जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जेएनयू के लोगों को, छात्रों को। क्यों आप लोग भारत के टुकड़े क्यों करना चाहते हो? भारत आपकी माता है, कोई अपनी मां के टुकड़े करता है क्या? कोई हमारी मां के टुकड़े करता है क्या? और आप भारत के टुकड़े क्यों करना चाहते हो? क्या कोई मिठाई का टुकड़ा है जो आप टुकड़े करना चाहते हो, भारत के टुकड़े? क्या हम लोग ऐसे मुंह देखते रहेंगे और आपस में अंदर छात्रों को पता नहीं कोई हमारे देश के विरोधी है वो मार रहे हैं छात्रों को? और वो लोग, दीपिका एक बहुत सुलझी हुई अभिनेत्री है, वो अपनी फिल्म के लिए, फिल्म के प्रमोशन के लिए वहां गई थी, लेकिन पीछे से नारे लगाए गए, इसमें दीपिका को कोई कसूर नहीं। मैं बहुत दुखी हूं कि वहां से सब लोग भारत के टुकड़े हो ऐसे नारे लगाते हैं। ये सुनने से पहले हमारे कान क्यों नहीं फट गए? भारत को कोई अलग नहीं कर सकता, हमारे भारत को कोई टुकड़े नहीं कर सकता, और जो भी भारत के टुकड़े करना चाहेगा उनके खुद के टुकड़े हो जाएंगे। ईश्वर, परमेश्वर उन्हें माफ नहीं करेगा। जिस देश में तुम खाते हो, जिस देश का नमक खाया, जिस देश में पैदा हुए, उसके टुकड़े करना चाहते हो? नहीं, हम देश के नागरिक ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों आज मैं फिर से दुखी हूँ। आज सुबह उन चारों लोगों को फांसी होनी थी। लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जितने भी तीन कोर्टों में कहा गया कि फांसी होगी, आज सुबह फांसी होनी थी, फिर से रुक गई। हिंदुस्तान की बेटियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए सबसे बैड न्यूज़ है, काली रात है, ब्लैक डे है। अगर ऐसे मुजरिम छूटते गए तो हिंदुस्तान की बेटी को कभी न्याय नहीं मिलेगा। क्या हमारा कानून सो रहा है? फांसी तीन बार, दो बार देने के बाद क्यों रोक दी गई?
सात साल से एक माँ वेट कर रही है, सात साल से एक देश की हर वो बेटी जो पीड़ित है वो भी न्याय मांग रही है, उनके भी केसेस पेंडिंग है कोर्ट में। अगर कोर्ट में ऐसे आरोपियों को छोड़ दिया जाएगा तो देश की बेटी को कभी न्याय नहीं मिलेगा। मोदी जी, राष्ट्रपति जी, आप लोगों के हाथ में हैं। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बेटी बचेगी मोदी जी? आरोपी ऐसे जो क्रिमिनल्स है, जो आरोपी जो अक्यूज्ड है, अगर वो ऐसे बचते रहेंगे फांसी से सजा से तो कैसे देश की बेटी को न्याय मिलेगा? राष्ट्रपति जी, आप बड़ी कुर्सी पर बैठकर फांसी रोक दिया आपने, क्यों? सारे सबूत आपके पास है, क्यों क्यों रोकी? निर्भया की माँ को मैं सैल्यूट करती हूँ। एक माँ सात साल से अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही है, और ये जो हमारे कुछ वकील हैं जो आरोपी के, वो कुछ न कुछ पेपर दे दे के उनकी फांसी रोक रहे हैं। अरे भाई साहब, आपके घर में बेटी नहीं है, दूसरों की बेटियां बेटियां हैं, हमारी बेटियां क्या है? क्या आप देख नहीं रहे सारे जितने भी गुनाह है उन चारों के, उस दुनिया के सामने है, कानून के सामने, कोर्ट के सामने है, तो उनको फांसी क्यों नहीं दी जाती है? मैं सल्यूट करती हूँ ऐसी माँ को जो अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। हम दुनिया वाले फिर से प्रे करें कि इन चारों को फांसी हो और निर्भया को न्याय मिले, इस देश की बेटी को न्याय मिले, इस देश की नारी को न्याय मिले। उस दिन नारी डे होगा, जिस दिन इनको फांसी होगी उसी दिन नारी डे हो। सात साल से एक माँ वेट कर रही है। निर्भया केस को सब लोग जानते हैं, निर्भया केस को आज भी हम चैन से सो नहीं पाते हैं। सात साल से वो केस हमें याद है, रोज रोज बच्चियों का, महिलाओं का रेप होता है हिंदुस्तान में। ये वकील लोग जो है, दोषियों की वकील है, वो लड़ रहे हैं। हमें लगता है क्या उनके घरों में बेटियां नहीं हैं? क्या एक माँ झूठा केस लड़ रही है? आप बताएं दोस्तों, क्यों फांसी क्यों टाली गई? जब दोषियों ने, दोषियों का दोष साबित हुआ है कोर्ट में, तो मर्सी किस चीज की? उनको तब दया नहीं आई जब उन्होंने निर्भया के साथ ऐसा कांड किया था, घिनौना काम किया था, तब उन्होंने मर्सी क्यों नहीं करी?